हेलो सर, मेरा नाम है अमजद खान, अमजद बॉक्सर। खान जी सर, मैं सोने बॉक्सर वाले? नहीं सर, मैं बॉक्सर बॉक्सर हूँ बॉक्सर और हाँ इंडिया के लिए खेला हूँ। वेरी मैं गुड। अक्सर आप लोग का यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ सर। हाँ आप लोग तीन चीज़ के बारे में बात करते हैं लाइफ में, हाँ इनकम, सेविंग और खर्च। हाँ सिर्फ आप खर्च और सेविंग के बात करते हैं, इनकम के बारे में नहीं बात करते हैं। क्यों? अच्छा, वेरी गुड। आपका अमजद क्वेश्चन ये है कि मेरी वीडियोस में मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं, सेविंग की बात करता हूं और इनकम की बात कम करता हूं, ऐसा क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, बैठिए आपसे बात करता हूं। हमारे यहां हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना पैसे की स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे की स्ट्रगल के लिए बड़ी परेशानी है। पैसा चाहिए हर आदमी को, हाँ चाहिए, पर उतनी स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को कम करने के लिए मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समझना मेरी बात को। अच्छा, दुनिया के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज। मान लो स्विट्जरलैंड में कोई लड़की है टीना, वो मोनू के साथ भाग गई, आपका कोई लेना देना है? आपका कोई लेना देना नहीं है। या अमेरिका के अंदर थोड़ा महंगाई बढ़ गई, कोई लेना देना है? नहीं। तो ये इश्यूज हैं पर आपका कोई लेना देना नहीं है। ये एक एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, जो कि आपके कंसर्न है। आपके बच्चों की पढ़ाई का कोई इशू है, वो आपके लिए कंसर्न है, हाँ है। आपको पैसा कमाना है, वो आपका कंसर्न है, हाँ है। सो आपकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम है, समझ लो इस सर्कल ऑफ कंसर्न में आ गई। और बाकी दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स हो रही है, पर वो आपका कंसर्न नहीं है, जो अमेरिका में हो रहा है, कोई यूएसए में, कहीं लंदन में, पर आपका कोई लेना देना नहीं है। अब सर्कल ऑफ कंसर्न में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे इनकम है, इनकम आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती है। आपको या तो बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा या जॉब करनी पड़ेगी, मतलब आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है आपका। आप जाके बॉस से बात करो कि भाई मेरी सैलरी 50,000 है, इसको 70 कर दो, वो हो सकता नहीं करेगा, पर आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने काम से, मेहनत करके। आपका कोई कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है, पर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और सबसे चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है। मैं अपना हाथ ऊपर ले जा सकता हूं, हाँ। मैं नीचे ला सकता हूं, हाँ मैं ला सकता हूं। मैं समझ में आ रहा है, मेरी गाड़ी को मैं लेफ्ट ले जा सकता हूं, राइट ले जा सकता हूं, जो चीज जिस पे मेरा कंट्रोल है। मेरी इनकम पे मेरा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लुएंस है, बट मेरे एक्सपेंसेस पे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल है। दुनिया भर के लोग हैं जो इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्कूल्स क्या कर रहे हैं, पढ़ा के पैसा कमाने लायक कर रहे हैं, कॉलेज पढ़ा के पैसा कमाने लायक कर रहे हैं। दुनिया भर के मोटिवेशनल गुरुज लगे हैं, इनकम ऐसे बढ़ानी है, इनकम ऐसे बढ़ानी है, पर उससे आपकी लाइफ में इमीडिएट असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। और लोग कर ही रहे हैं, आप भी एफर्ट्स लगा रहे हो, कंट्रोल आपका नहीं, इन्फ्लुएंस है। पर खर्चे हमारी लाइफ के अंदर कई बड़े बड़े खर्चे होते हैं हमारे, कैसे हम मकान खरीदते हैं, वो खर्चा हमारे हाथ में है। हम शादियां करते हैं, शादियों के खर्चे हमारे हाथ में है। हम लोग मोबाइल लेके आना चाहते हैं, ब्रांडेड चीजें लेके आना चाहते हैं, वो खर्चे किसके हाथ में, वो हमारे हाथ में है। मैं कार लेके आना चाहता हूं, सो मैं आपको गाइड करता हूं कि आपके एक्सपेंसेस जो इंपल्स में आके उठते हैं या लोगों को दिखाने के लिए आप करते हैं, किसी भी रीजन से करते हैं, वो जो खर्चे हैं आप कंट्रोल, क्योंकि आपके हाथ में, मैं आपके बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। सो मोबाइल आपके हाथ में है क्योंकि पैसा आपको देना है, शादी हो रही है फैमिली में, ये आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके पास है। सो मैं आपको कोचिंग देता हूं, गाइडेंस देता हूं, कम से कम मैं इनकम को एकदम से हिला नहीं सकता हूं आपकी, कि मैं कैसे यहां से खड़ा खड़ा अकेला आदमी, 1,000 करोड़ आदमी, 100 करोड़ आदमी, 150 करोड़ आदमी, उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। नहीं, मैं जो अपनी गाइडेंस आपको देता हूँ, कोचिंग देता हूँ, ताकि आपके एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में आ जाएं। भाई मान लो आप शादी पे 50 लाख लगाने वाले थे, आपने मेरी बात सुन ली, आपने मेरी बात समझ ली, और आपने शादी पे खर्चा ही नहीं किया, 5 लाख में खरीद दिया, तो कितना फ़ायदा दे दिया आपको मैंने, दे दी ना 45 लाख का फ़ायदा। मान लो आप एक 50 लाख का 1 करोड़ का लोन लेने वाले थे, आपने मेरी बात समझकर आपने बोला यार रेंट पे रह लेता हूँ, या अगर मुझे घर लेना ही है तो मैं छोटे टाउन में ऐसी जगह जहां सस्ता जगह लेके वहां पे धीरे धीरे मकान बना लूं, तो लोन से बच गए ना आप। या हम कई बार ब्रांडेड चीजों के पीछे भाग के पूरी इनकम वहां खर्चा कर देते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई?
तो आपका जो मंथली 25-30 हज़ार रुपये आप उड़ाते हो चीज़ों पे, वो कंट्रोल में आ गया ना, तो दुनिया भर की सेविंग कर सकते हैं ना। सो मैं अपनी टीचिंग इसलिए करता हूँ इस तरीके से जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जिसको आप सुन के आप इम्प्लीमेंट कर सकें, सेविंग आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने मेरी बात समझ के आपने बोला छोड़ो यार ऑडी मर्सिडीज, मैं होंडा सिटी या मारुति की कार से काम चला लूंगा, तो 15-20 लाख बच गए ना आपके। सो मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ जिस पे आपका कंट्रोल है, उस एरिया में ट्रेनिंग देता हूँ। आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट चेंज कर दिया तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। इनकम के लिए तो आप जोर लगाइए, और मैंने 2-3-4 वीडियोस बनाई भी हैं, आप उस पे काम करते रहिए। एक्सपेंसेस आपके हाथ में हैं, मैं इसलिए आपको ज्यादा फोकस वहां पर करता हूं, नंबर वन। नंबर टू, जब आप सेविंग कर लेते हैं तो आपके जब कुछ फंड पड़ा होता है तो आपकी लाइफ में फ्रीडम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मनी जो है ना एक तरीके से एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आती है। तो मैंने कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं। सुनो, आपका पैसा जो आ गया वो अब आपके हाथ से ना निकल जाए। सो मान लीजिए कहीं गलत जगह आपने पैसा लगाया और आपका पैसा डूब गया, तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, तो वहां पर भी आपका पैसा आपके हाथ से बच जाता है। मैं कोशिश करता हूं ऐसी चीजों पर ट्रेनिंग देने की जिससे कि आपकी लाइफ में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, एक्सपेंस आपके कंट्रोल में है, तो वहां पर आप कुछ कर सकते हो, आपका माइंड चेंज हो जाए। सेविंग्स आपके हाथ में है, आपको मैं डायरेक्ट आइडिया दे सकता हूं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसलिए मेरा ज्यादा फोकस यहां पर है। तो मेरी वीडियो से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता है, इसलिए इस एरिया पे मैं फोकस करता हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और मेरी गाइडेंस इसलिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है आपकी के लिए, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे कोई पैसा नहीं कमाना है, मेरा इंटेंशन आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करने का है। ज्यादातर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का इरादा ये होता है, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपकी जेब से पैसा निकलवा लेंगे, मेरा ऐसा टारगेट होता नहीं है। सो जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, मैं एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैं वीडियोज़ बनाई है मनी की, सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, क्योंकि टाइटल पे मत जाओ, थंबनेल पे मत जाओ, सारी वीडियोस को वॉच कर लिया तो आपका एक अच्छा माइंडसेट बन जाएगा मनी से रिलेटेड, जो कि इंडिया में कोई दे ही नहीं रहा। और अगर आप वो समझ गए तो आपकी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो 10-20-50 लाख का फ़ायदा आपको हो जाएगा। और अगर आप मुझे कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, सो मुझे जो है अपनी वेल विशेज़ दे देना, मेरे कोर्स की फीस यही है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मुझे कोर्स करना है, अरे मैं वीडियो में डाल तो रहा हूँ, सिर्फ अपनी वेल विशेस डालते रहो। और अगर आपकी लाइफ में कुछ फायदा हुआ है तो मुझे कमेंट में आके बताइए कि मैंने यहाँ सेविंग कर लिया, मुझे इतने का फायदा हो गया, तो मुझे भी एक अच्छा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उससे लोगों को फायदा हो रहा है। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है अमजद। सो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो ऐसे मैंने आपके लिए बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जैसे मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने की अच्छी इंटेंशन लेके घूम रहा हूँ, वैसे ही इंटेंशन आप लाएंगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होता चला जाएगा। सो थिंक गुड अबाउट पीपल एंड स्टार्ट शेयरिंग दिस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।